आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पलवल में अलीगढ़ मार्ग पर बीती रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि ऑटो और गाड़ी में आमने सामने की टक्कर हुई। इस भीषण हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति के दोनों पैर कट गए जबकि दो लोगों की हालत गंभीर है। सूचना पाकर मौके पर पहुंच पुलिस ने घायलों को पलवल के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। तीन लोगों की हालत गंभीर होने के चलते इन्हें दिल्ली के सफदरगंज में रेफर किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक चार लोग गांव कोशक के रहने वाले हैं, एक व्यक्ति गांव रसूलपुर और एक व्यक्ति किसी अन्य गांव का है। इस हादसे में महिलाएं भी घायल हुई हैं। जांच अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि हादसे के बाद गाड़ी चालक मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ऑटो और गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। सड़क हादसे का कारण अभी पता नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। पलवल से हमारे संवाददाता परवीन आहूजा की रिपोर्ट। विनोद जी बताएंगे सर, आपके एक एरिया में एक्सीडेंट हुआ है, क्या कैसे एक्सीडेंट हुआ है और कितने लोग इसमें घायल हैं? ऐसा है कि सूचना मिली थी कि भाई किसी ऑटो कार किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और सूचना पाकर वह मौके पर पहुंचे। तो मौके पर पहुँच के सबसे पहले इंजनों को उपचार के लिए जी अस्पताल भिजवाया गया और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है फिलहाल हॉस्पिटल में। कोई सीरियस भी है इनमें? इनमें से एक का पैर कटा हुआ, जो डॉक्टर साहब से जो बात हुई है तो डॉक्टर साहब ने बताया एक का पैर कटा हुआ है जिसे हमने सफर दिन के लिए रेफर कर दिया। और कितने लोग हैं इसमें? इसमें सर ये टोटल 7 बंदे हैं जिसमें से एक गांव मीसे का है, एक रसूलपुर का है सर और बाकी गाँव को सकते हैं। किन किन वाहनों के बीच में एक्सीडेंट हुआ है कुछ पता लगा? ऑटो और गाड़ी कार है। कुछ अभी पता लग पाया है कि? अभी कोई पता नहीं लगा। अब यहाँ से पहले ट्रीटमेंट के बाद तुरंत तीजे से लेके आए सर, उसके बाद वहाँ मौके पर जाकर किसी की तरफ से कोई सूचना प्राप्त हुई है, कोई शिकायत मिली? वारसान उनसे कहिए दरखास्त वगैरह कंप्लेंट देने के लिए। अभी कोई किस प्रकार की दरखास्त प्राप्त नहीं हुई है। दरखास्त प्राप्त होने पर आगे हमें कार्रवाई करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।